दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि राजस्थान जीके से रिलेटेड है, और राजस्थान से संबंधित आरपीएससी से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होती हैं उन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और मैंने इस वॉल्यूम में मैक्सिमम उन्हीं क्वेश्चंस को समावेशित किया है जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे ये रीट की एग्जाम हो, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या फिर पटवार की एग्जाम हो, या राजस्थान पुलिस की एग्जाम हो। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वही मिलेंगे इसमें। और दूसरी बात यह है कि इस वॉल्यूम में हम केवल और केवल जो रिवीजन है उसके पर्पस से इस वीडियो को बना रहे हैं, तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी जाएगी। जो भी क्वेश्चंस होंगे केवल और केवल उनके आंसर्स ही बताए जाएंगे, तो बने रहिए लास्ट तक, इस वीडियो को देखते रहिए। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी पर। अजमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? तो अजमेर जिले में बहने वाली नदी का नाम है बनास। नेक्स्ट है, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेंज। राजस्थान में कनक सागर बांध जो है मेंज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित होती थी? तो राजस्थान में ही नहीं, ये ऋग्वेद में मेंशन की गई सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती। तो सरस्वती राजस्थान की सबसे प्राचीन प्रवाहित होने वाली नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नदी किस संभाग में है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो नदियाँ बहती है वो कोटा संभाग में बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोटा संभाग। नेक्स्ट है, पंडोह बांध किस नदी पर स्थित है? तो पंडोह बांध जो है वो व्यास नदी पर स्थित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नक्की झील कौन से जिले में स्थित है? तो नक्की झील सिरोही जिले में स्थित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनासागर झील किस जिले में है? तो आनासागर झील जो है वो अजमेर जिले में स्थित है। इसको लर्न करने का सिंपल सा तरीका है ए और ए, यानी आना का ए और अजमेर का ए, दोनों ऐसे शुरू हो रहे हैं, तो इस तरीके से अन्नासागर झील जो है वो अजमेर में स्थित है। इसको ट्रिक के थ्रू भी हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह है? तो इसमें सिलिसेट, जैसमंद, फाइसागर और पंचभद्रा, ये कुछ झीलें हैं, इनमें से मीठे पानी की झील नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचभद्रा। पंचभद्रा जो है वो खारे पानी की झील है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जैसमन, सी आंसर। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जो प्राकृतिक झील है वो है पुष्कर। तो कृत्रिम झील जो है सबसे बड़ी वो तो है जैसमन, और जो प्राकृतिक झील सबसे बड़ी वो है पुष्कर, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है जैसमंद झील। तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद है, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो सांभर है। नेक्स्ट हमने देखा अभी, प्राकृतिक जो झील जो सबसे बड़ी है वो है पुष्कर, और कृत्रिम जो झील सबसे बड़ी है वो है जैसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो गई जैसमंद झील है। नेक्स्ट है 114 क्वेश्चन, सुगड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है? तो सुगड़ी नदी का बहाव वाला जो जिला है वो कौन सा नहीं है? तो 114 जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हो जाएगा जोधपुर, आंसर जोधपुर। नेक्स्ट है 115 क्वेश्चन, जो नेहरू गार्डन किस नदी किस झील में स्थित है? तो कौन सी झील ऐसी है जिसमें नेहरू गार्डन स्थित है? तो ये है फतेह सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउटा नामक झील कहाँ स्थित है? तो माउटा नामक झील जो है वो आमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है? तो देखना, डीडवाना, नवलखा, फलौदी, पंचभद्रा, इनमें से जो नवलखा झील है वो मीठे पानी की झील है, और इसके अलावा सारी खारे पानी की झील है। नवलखा सागर झील किस जिले में है? तो नवलखा झील जो है वो बूंदी जिले में स्थित है, मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है, नागौर जिले से संबंधित नदी है? तो नागौर जिले में बहने वाली नदी है हरसो। नेक्स्ट, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो ये है जवाई नदी के पास में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है? तो 121 का जो आंसर है वो हो जाएगा कांकणी नदी। हनुमानगढ़ जिले में किस नदी, हनुमानगढ़ जिला जो है वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा घग्गर। तो
तो गगन जो नदी है उसके किनारे पे हनुमानगढ़ जिला बसा हुआ है। बिछामेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो बिछामेड़ा जो है वो सोम नदी का उद्गम स्थल है, मतलब बिछामेड़ा से ही सोम नदी निकलती है। राजस्थान में किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है? तो वह कौन सा जिला है जहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर, आंसर ए। नेक्स्ट है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। सिद्धमुख नहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? सिद्धमुख नहर योजना जो है राजस्थान में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में है। वैसे हम राजस्थान के बारे में आंसर्स देख रहे हैं तो राजस्थान ही इसका आंसर होना है। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? तो गुड़गांव नहर जो है वो भरतपुर जिले में स्थित है। विलास सिंचाई योजना संबंधित है, विलास सिंचाई योजना जो है वो कोटा से संबंधित है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर का आरंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया गया था 31 मार्च 1958 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी नहर में नहरों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इंदिरा गांधी नहर में जो नहरें हैं वो 6 हैं। राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान नहर का जो निर्माण है वो राजस्थान फीडर की जो समाप्ति है वहाँ से हुआ है, राजस्थान फीडर की समाप्ति से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से मरुस्थल नहीं बढ़ रहा है? तो वो जो कारण है वो है अतिसारण। अतिसारण शहरीकरण के कारण भी मरुस्थलीकरण जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन के कारण से और वनोन्मूलन के कारण से, परंतु अतिचारण, अतिचारण का मतलब जो जानवर है अत्यधिक मात्रा में जो चरते हैं उसकी वजह से मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। हालांकि ये कारण है बट इनमें से सबसे जो बड़ा कारण है वो ये नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो 133 का जो आंसर है वो है मध्य में, राजस्थान के मध्य में सागवान के वन पाए जाते हैं। राजस्थान में किस जिले में सिल्वी कल्चर की जाती है? तो 134 का जो आंसर हो जाएगा वो है गंगानगर। सिल्वी कल्चर कहाँ किया जाता है? श्री गंगानगर में। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है कोटा और बारा में। तो कोटा और बारा में राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है? मीन्स इसमें से कौन सी ऐसी वनस्पति है जो कि राजस्थान में उपलब्ध नहीं है? तो इसका है आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क, बी आंसर हो जाएगा। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो सागवान जो है वो मध्य में स्थित होता है, तो मध्य में भरतपुर और अलवर आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भरतपुर एम अलवर। नेक्स्ट है, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो 138 का जो आंसर है वो हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में सेवन घास सबसे ज़्यादा मात्रा में उगती है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जो वन क्षेत्र प्रतिशत जिस जिले में है वो कौन सा जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में वन है। नेक्स्ट है, 140, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी को। नेक्स्ट है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो राजस्थान का सागवान रोहिड़ा को कहा जाता है। लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? तो गोगाजी का थान सामान्यतः खेजड़ी के पेड़ के नीचे लगाया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 143 का आंसर है, मरुस्थल वनरोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है जोधपुर में। वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन सी थी? तो इसका नाम हो जाएगा अमृता देवी। ये अपनी 3 पुत्रियों और अपने पति जिनका नाम रामखोड विश्नोई था उनके साथ में ये शहीद हो जाती है, और इसके साथ में 363 लोगों की भी जान जाती है। नेक्स्ट है, 145, मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो 145 का आंसर हो जाएगा सुरक्षित वन। नेक्स्ट है, 146, सागवान के वृक्ष किस जिले में संकेंद्रित है? तो सागवान के वृक्ष कौन से जिले में स्थित है? तो ये है उदयपुर जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? तो ये सर्वाधिक जो वन मिलते हैं सॉरी सर्वाधिक जो वृक्ष मिलते हैं वो खेजड़ी वृक्ष मिलते हैं राजस्थान में। 148,
पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किस पशुओं से होता है? तो इसका सही आंसर है गाय। नेक्स्ट है, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोटा। नेक्स्ट है, गोडाउन पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, जनरली जैसलमेर में पाया जाता है। शेरगढ़ अभयारण्य किस जिले में? तो शेरगढ़ जो है वो बारा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, नाहरगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? तो नाहरगढ़ जो अभयारण्य है वो जयपुर में, नाहरगढ़ और जयगढ़ ये दोनों फोर्ट है जो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है भरतपुर। तो केवलादेव घना पक्षी विहार जो है वो भरतपुर में स्थित है। ये बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों का संरक्षण किया जाता है? तो इसका सही आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो घना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? तो पशुओं द्वारा चराई इसका सबसे प्रमुख कारण है। इसके अलावा इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई ये भी एक कारण है, ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई ये भी एक कारण है, जलवायु परिवर्तन ये भी कारण है, बट सबसे जो महत्वपूर्ण कारण वो है पशु द्वारा चराई किए जाना। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है उदयपुर और जयपुर। तो इसका सही आंसर है उदयपुर और जयपुर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार कहाँ खोजे गए हैं राजस्थान में? तो इसका आंसर है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए हैं। अभी 158 जो आंसर है क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, निम्न खनिजों में किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है? तो ऐसा कौन सा वो खनिज है जिसके लिए राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है, मतलब सर्वाधिक उत्पादन इसका होता है? तो यह सीसा और जस्ता। राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान में नहीं किया जाता है? तो यह है खाद्यान्न। खाद्यान्न का निर्यात नहीं किया जाता है यहाँ से। वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है, मतलब सर्वाधिक जो विक्रय किया जाता है वो पत्थर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बालू पत्थर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेचा जाता है वो पत्थर कौन सा है? बालू पत्थर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में टंगस्टन के सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं? तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है, नागौर में। नेक्स्ट है, खो दरीबा क्षेत्र जिसके खनन से संबंधित है वो कौन सा है? तांबा खनन। नेक्स्ट है, 164, सर्वाधिक जिप्सम प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये होता है राजस्थान से। जिप्सम सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होता है? राजस्थान से। और इसके अलावा सीसा और जस्ता भी राजस्थान से ही सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रमुख खनिज है, तो राजस्थान का प्रमुख खनिज है सीसा व जस्ता। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट जो पत्थर है वो पलाना में पाया जाता है। राजस्थान में तांबे की खान कहाँ है? तो तांबे की जो खान है वो है खेतड़ी में, जो झुंझुनू जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, घोटारू व मणिहारी का संबंध किससे है? 168 का आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस से। तो घोटारू व मणिहारी का जो संबंध है वो किससे है? प्राकृतिक गैस से। यहाँ से प्राकृतिक गैस निकलती है। राजस्थान का 96% फेल्स पार प्राप्त होता है, तो ये होता है अजमेर से। तो राजस्थान का 96% जो फेल्स पार खनिज प्राप्त होता है वो होता है अजमेर जिले से। नेक्स्ट है, कांच बालू के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। तो कांच बालू के उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है, मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ से मिलता है? तो ये मकराना से मिलता है। तो मकराना में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर का पत्थर निकाला जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सीसा व जस्ते के सर्वाधिक भंडार स्थित है। तो राजस्थान में सर्वाधिक सीसा व जस्ता का जो भंडार है वो जावर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो नमक उत्पादन का सर्वाधिक जो नमक उत्पादन होता है राजस्थान में वो होता है सांबर झील से।
दूसरा आंसर ये भी याद रखना है कि सांबर झील जो है वो राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील है। राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार उन स्थानों में मिलते हैं जहाँ पे क्या होता है प्राचीन नदी संगम होते हैं। तो जहाँ पे प्राचीन नदियाँ आपस में मिलती थी वहीं पे जिप्सम के सबसे ज़्यादा भंडार राजस्थान में मिलते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये है दूसरा स्थान। नेक्स्ट है राजस्थान में अभ्रक की खाने किस जिले में अधिक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो अभ्रक की खाने हैं वो है भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार किस खनिज के हैं, तो ये है रॉक फॉस्फेट के। रॉक फॉस्फेट के सबसे अधिक खनिज भंडार राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है, तो राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार जो है वो अंदरी में स्थित है। नेक्स्ट है उदयपुर जिले के किस क्षेत्र में तांबे के नए भंडारों का पता लगा है, तो उदयपुर में नए तांबा भंडार जो है वो अंजलि क्षेत्र में प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान नहीं है, ठीक है, तो इसमें तांबा, जस्ता, सीसा, बांसवाड़ा, जोधपुर, ये कैसे नहीं गलत टाइप हो गया है, तो इसको छोड़ दीजिए, आप स्किप कीजिए। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में आणविक खनिज यूरेनियम का उत्पादन होता है, 182 यूरेनियम का जो उत्पादन होता है वो बांसवाड़ा में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बांसवाड़ा में यूरेनियम के भंडार मिले हैं और यहाँ पे उत्पादन भी शुरू हो चुका है। राजस्थान में घिया पत्र का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो घिया जो पत्र है उसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है, तो ये है कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी, धौलपुर पावर परियोजना जो है वो गैस पर आधारित होगी। नेक्स्ट है राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है और इसका रीज़न क्या है, सरसों की भूसी बहुत ज़्यादा उपलब्ध होती है, तो जो सरसों काटते हैं और उसके बाद में सरसों की कटाई करने के बाद थ्रेसिंग करने के बाद में जो भी चीज़ें बचती है वो बायोगैस में उपयोग की जाती है, और इसी की वजह से क्योंकि जो सरसों का उत्पादन है राजस्थान में प्रथम, भारत में प्रथम स्थान रखता है राजस्थान सरसों उत्पादन में, और इसलिए सरसों की जो भूसी है वो यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिल जाती है, और यही कारण है कि यहाँ पे बायोगैस ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट लगने की संभावना है। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी, तो 188 का जो आंसर है वो है बड़ला में, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी, तो राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई थी 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है, तो यह है रामगढ़ में। तो रामगढ़ में प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, मतलब यहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह स्थित है, तो यह है रावतभाटा में। नेक्स्ट है वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है, तो इसका हो जाएगा काकीनाडा। इसके अलावा सारी कल्पकम, काकरापार और रावतभाटा, इन तीनों में आणविक शक्ति से बिजली का उत्पादन किया जाता है, बट काकीनाडा में यहाँ पे उत्पादन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेगाना। तो डेगाना में टंगस्टन के बहुत विशाल भंडार खोजे गए हैं। मोरिजा बनोस क्षेत्र में कौन सा खनिज निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा खनिज, तो यहाँ पर लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है 195 क्वेश्चन लोहा किस्म जो राजस्थान में लोहे की कौन सी किस्म पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट राजस्थान में पाई जाती है। अंता किस जिले में स्थित है, तो अंता है बारा जिले में स्थित है। राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यास परियोजना से। नेक्स्ट देश का प्रथम भूमिगत बिजली गैस बिजलीघर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो प्रथम भूमिगत गैस बिजलीघर जो है वो नागौर में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में
परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो रावतबाटा में स्थित है, और लास्ट जो क्वेश्चन है 200 जो क्वेश्चन है वो है तापीय, राजस्थान को सर्वाधिक तापीय विद्युत कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा थर्मल से। तो हमने यहाँ से देखा है कि क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वॉल्यूम में जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।